एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो ज्ञानो को देखकर हैरान हो जाता है। तब काराकू कहता है, ये किस तरह का अटैक था, मैं रीजनरेट नहीं कर पा रहा। तब सेकिडो कहता है, चुप कर जाओ, तुम रीजनरेट हो रहे हो, बस इसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो हो गई है। तब तांजीरो सोचता है, मुझे नहीं पता कि ज्ञानो को क्या हुआ है, पर मुझे बस इतना पता है कि उसने एक डीमन का सिर उड़ा दिया है। पर मुझे इस बात का डर है कि अगर हम इनका सिर भी उड़ा दें तब भी इन्हें योतारु और उसकी बहन की तरह नहीं मारा जा सकता। इन इमोशंस डीमंस को मारने का कोई फायदा नहीं है। और तब तांजीरो नेजुको को बचाने चला जाता है और उसे मलबे में से बाहर निकालकर सोचता है, मैं कब से एक चीज सोच रहा था, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि उनका गला उनका वीक पॉइंट ना हो। वो स्मेल जो मुझे थोड़े टाइम पहले आ रही थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और मुझे समझ आया वो स्मेल फिफ्थ डीमन की थी। यहाँ एक और डीमन है, मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उसकी गर्दन को काटकर मैं इन सभी को मार डालूंगा। तब गैनिया तांजीरो का गला पकड़कर कहता है, अपने आप को इतना ताकतवर मत समझो, इन अपर रैंक्स को मैं हराऊंगा। तुमने अकेले अपर रैंक 6 को नहीं हराया था, इसीलिए तुम्हें हाशिरा नहीं बनाया गया, तो इसीलिए मैं इन सभी को मारकर खुद हाशिरा बनूंगा। तब तांजीरो खुश होकर कहता है, अब मुझे समझ आया, तो इस मामले में मैं और नेजुको तुम्हारा पूरा साथ देंगे। यहाँ एक फिफ्थ डीमन भी है और जब तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ क्या तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। तब गैनिया कहता है, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ रहा हूँ, तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो। और तब हम देखते हैं जैसे ही सेकिडो अपनी बिजली से उन दोनों पर हमला करने लगता है, तब तांजीरो गैनिया को धक्का मारकर उसे बचा लेता है और सोचता है, एंगर डीमन बहुत जल्दी रीजनरेट हो गया है तो इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। और कहता है, गैनिया मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा कि वो फिफ्थ डीमन कहाँ है, क्या तुम तब तक के लिए इस डीमन को रोक कर रखोगे। और तब वो लोग देखते हैं बाकी सारे डीमंस भी रीजनरेट हो जाते हैं। और तब तांजीरो गैनिया को उसकी बहन पर हमला करने से मना करता है और तब तांजीरो फिफ्थ डीमन को ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ गैनिया और नेजुको उन डीमंस के साथ लड़ने लगते हैं। और तभी तांजीरो सोचता है, मुझे जल्द से जल्द कॉन्सेंट्रेट करके उस डीमन को ढूंढना होगा। तभी तांजीरो को एक स्मेल आती है और यहाँ हेंतेंगू कह रहा होता है, यहाँ सब कुछ ठीक है और वो लोग मुझे नहीं ढूंढ सकते और वो फोर इमोशंस डीमंस उन बुरे लोगों को मार डालेंगे। और तब तांजीरो गैनिया को आवाज देकर उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी रोगी उसे रोकने आ जाता है। तब तांजीरो गैनिया को कहता है, वो फिफ्थ डीमन नॉर्थ ईस्ट में ग्राउंड के नीचे छुपा हुआ है। तभी सेकिडो उन पर हमला कर देता है। तब तांजीरो कहता है, तुम जाओ गैनिया, मैं इन सभी को रोक कर रखता हूँ। तब नेजुको को कहने लगता है, नेजुको गैनिया की मदद करो, उस लाइटनिंग डीमन को गैनिया के काम में दखल अंदाजी मत करने देना। पर तभी कराकू अपने पंखे की मदद से तांजीरो को दूर उड़ा देता है। तब तांजीरो एक पेड़ को पकड़कर सोचता है, मुझे खुद को उड़ने से रोकना होगा, मैं इस जगह से दूर नहीं जा सकता। और तब जैसे ही सेकिडो लाइटनिंग हमला करने लगता है, नेजुको उस पर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं जेत्सु नेजुको पर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं मिस हाशिरा बहुत कोशिशों के बावजूद भी ग्योको के कैद से नहीं छूट पा रहा होता। तब ग्योको कहता है, तुम इसके अंदर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक नहीं यूज कर सकते और इसके अलावा बहुत जल्द तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, किसी को ऐसे मरते हुए देखना कितना मजेदार है। और यहाँ नेजुको और जेत्सु के भाले को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तब जेत्सु सेकिडो को अपना काम जल्दी करने के लिए कह रहा होता है। और जैसे ही सेकिडो कुछ करने लगता है, तांजीरो आकर उसका हाथ काट देता है और उरोगी से लड़ने लगता है। तब सेकिडो सोचता है, वो लड़का पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है, पर वो अभी ऐसा नहीं हुआ है। मेरे लॉर्ड ने जो मुझे बताया था वो पहले ही उससे ज्यादा ताकतवर था, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं और ये लड़ाई की सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ जाता है। और तब तांजीरो उरोगी का मुंह काट देता है। और यहाँ नेजुको जेत्सु के पास आकर उसे जलाने लगती है। और यहाँ तांजीरो जैसे ही कराकू पर हमला करने लगता है, कराकू अपने फैन की मदद से तांजीरो को जमीन की ओर पटक देता है। और जैसे ही गैनिया पर हमला करने लगता है, उसके हाथ में आग लग जाती है। तब तांजीरो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हारा हाथ काट ही दिया। और गैनिया को कहने लगता है, अपने राइट की तरफ जाओ, वो साउथ की तरफ बढ़ रहा है और उसे जल्दी ढूंढो। तब गैनिया सोचता है, मैं इतनी देर से यही सब कुछ तो कर रहा हूँ, आखिरकार वो है कहाँ, क्या ये उसकी कोई डीमन आर्ट है, आखिरकार मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। जितना लंबा ये चलता जाएगा उतना ज्यादा मैं थकता जाऊंगा। और तब कराकू तांजीरो को लात मारता है। तब तांजीरो कहता है, राइट में जाओ,
ग्राउंड पर देखो, वो तुम्हारे करीब ही है। गैन्या नीचे देखो। तब गैन्या कहता है, ये तो बहुत छोटा है, और उसके ऊपर अपनी बंदूक से फायर करता है और सोचता है, ये कितना छोटा है, क्या ये इसकी मेन बॉडी है? आखिरकार मैं इसे ढूंढता कैसे? ये तो एक चूहे से भी छोटा है। वो बाकी चार डीमंस बहुत स्ट्रांग है और ये छोटी सी चीज उन्हें कंट्रोल कर रही है। हमें इनसे लड़ाई करते समय इस छोटे से चूहे को पकड़ना पड़ रहा है। तो अब मुझे समझ आया इन्होंने कैसे इतने सारे डीमन स्लेयर के मेंबर्स को मारा है। वहीं रुक जाओ ये छोटे से चूहे, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। और जैसे ही अपनी तलवार से उसका गला काटने लगता है, उसकी तलवार टूट जाती है। तब गैन्या सोचता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं इसका गला नहीं काट पा रहा हूँ। इसकी गर्दन तो सिर्फ एक फिंगर जितनी मोटी है। और उस पर अपनी बंदूक से फायर करता है। और हम देखते हैं हेंतेंगू को कुछ नहीं होता। तभी सेकिडो गैन्या पर हमला करने लगता है। तब गैन्या सोचता है, मैं इसके हमले को नहीं डॉज कर सकता, अब ये मुझे मार डालेगा और मैं अपने गर्दन को उड़ाने के बाद रीजनरेट भी नहीं कर सकता। और अपने बड़े भाई को सोचते हुए कहता है, मैं एक हाशिरा बनना चाहता था ताकि उसे मुझ पर गर्व हो, और मैं उस वक्त के लिए उससे माफी मांगना चाहता था। मेरी माँ की हाइट बहुत छोटी थी और मुझे उनसे लंबा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती थी और मैंने उन्हें कभी सोते हुए भी नहीं देखा था। और मेरे फादर भी किसी काम के नहीं थे, लोग उनसे इतनी नफरत करते थे कि उन्हें चाकू मारकर मार दिया गया था और उन्हें वही मिला जो वो डिजर्व करते थे। वो कभी कभी हमें और हमारी माँ को मारते थे। चाहे मेरी माँ छोटी थी पर मुझे लगता है वो बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि वो हमेशा हमारे फादर से हमें बचाती थी। और यहाँ हम देखते हैं गैन्या की पूरी फैमिली सो रही होती है। तब गैन्या अपने बड़े भाई से कहता है, माँ आज लेट हो गई हैं। तब उसका बड़ा भाई कहता है, मैं माँ को ढूंढ कर आता हूँ। तब गैन्या भी उसके साथ चलने के लिए कह रहा होता है। तब उसका बड़ा भाई कहता है, नहीं तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अपना वादा याद है, तो अब मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ से जा रहा हूँ। तब उसके भाई बहन भी उठ जाते हैं और सभी लोग अपनी माँ के बारे में पूछने लगते हैं। तब गैन्या उनसे कहता है, वो ठीक होंगी, हमारे बड़े भाई उन्हें ढूंढने गए हैं। तब उसकी बहन कहती है, पर माँ आज तक इतनी लेट नहीं हुई। तब गैन्या कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम सभी जल्दी से सो जाओ, और जैसे ही तुम सभी सुबह उठोगे माँ और बड़ा भाई दोनों वापस आ चुके होंगे। पर तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है और वो सभी बच्चे दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। और तब हम देखते हैं कोई उस दरवाजे को तोड़कर गैन्या के भाई बहन को मार देता है और अंदर आ जाता है। तब गैन्या सोचता है, आखिरकार ये क्या है, यहाँ इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही वो चीज गैन्या पर हमला करने लगती है, उसका बड़ा भाई आकर उस चीज को पकड़कर बाहर कूदते हुए कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और तब गैन्या अपने भाई बहन को बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाने जाता है और भागते हुए सोच रहा होता है, आखिरकार वो क्या था, आखिरकार बड़े भाई किससे लड़ रहे हैं, पर अभी मुझे बाकी सबको बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और तभी गैन्या देखता है उसका भाई उसकी माँ की लाश के पास खड़ा होता है। और तब गैन्या कहता है, आखिरकार तुमने माँ को क्यों मारा, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक कातिल हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ गैन्या सोचता है, मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मुझे उस दिन वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उस दिन मेरे भाई बहन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, मुझे पता था कि वो लोग मरने वाले हैं, और वो चीज जिसने उन पर हमला किया था वो और कोई नहीं हमारी मॉम थी, जो कि एक डीमन बन चुकी थी, और बड़े भाई हमें बचाना चाहते थे। पर जैसे ही सुबह हुई तब बड़े भाई को भी एहसास हो गया था कि वो हमारी मॉम थी जिसने हमारी फैमिली पर हमला किया था। मैं हमेशा सोचता हूँ कि उन्हें उस टाइम कैसा लगा होगा, वो तो माँ को मारने पर पूरी तरह से शॉक हो चुके थे, और उसके बाद मैंने उन्हें कितना भला बुरा कहा, पता नहीं उन्हें कैसा फील हुआ होगा। यहाँ तक कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर अपनी फैमिली को बचाएंगे। और तब यहाँ पास्ट में गैन्या का बड़ा भाई उसे कहता है, अब जब हमारे फादर को मार दिया गया है तो हम दोनों को ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे चाहे अब अच्छा लग रहा हो, पर बिना फादर के सब लोग अकेले हो जाते हैं, तो फिर अब से हम दोनों अपनी माँ और अपने भाई बहनों को बचाएंगे, क्या तुम समझ गए? तब गैन्या कहता है, पर ये अब की बात नहीं है, हम तो पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं। और तब यहाँ गैन्या सोचता है, मुझे माफ कर देना मेरे बड़े भाई, मैं आपसे बिना माफी मांगे ही मरने वाला हूँ। पता नहीं कैसे मैं मरते टाइम आपका हंसता हुआ चेहरा देख पाया,
मेरे बड़े भाई, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो कोई ब्रीथिंग टेक्निक भी नहीं यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं कभी हाशिरा नहीं बन सकता। जब तक तुम खुद हाशिरा नहीं बन जाते तब तक तुम्हारा किसी हाशिरा से मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत मेहनत की थी पर अब ये सब कुछ बेकार हो गया है। तब उसका बड़ा भाई कहता है, तुम जैसा कचरा मेरा भाई नहीं हो सकता, तो जाओ डीमन स्लेयर को छोड़ दो। तब गन्ने सोचता है, आखिरकार क्यों, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तभी तंजीरो कहता है, गन्या इतनी जल्दी हार मत मानो, और वो सकीरो का हाथ काट कर गन्या को बचा लेता है और कहता है, दोबारा से ट्राई करो, एक बार फिर से उसका सिर काटने की कोशिश करो, कभी हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम अपना ध्यान उसका सिर काटने की ओर फोकस करो, क्या तुम हाशिरा नहीं बनना चाहते। पर तभी अज़ेत्सु तांजीरो के पीछे से हमला कर देता है, पर हम देखते हैं गन्या बीच में आकर उसे बचा लेता है और कहता है, मैं उसका सिर नहीं काट सकता पर तुम ये कर सकते हो, तो फिर सिर्फ अभी के लिए मैं तुम्हें ये करने दे रहा हूँ। और तब तांजीरो उस डीमन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और गन्या अज़ेत्सु पर गोली चला देता है। और तब यहाँ तांजीरो सोचता है, मैं ये जरूर करूँगा, और वो हिमतेंगू को ढूंढ लेता है और सोचता है, ये बहुत छोटा है पर मैं इसे यहाँ से बचकर भागने नहीं दे सकता। तभी तांजीरो अपनी बर्निंग स्वॉर्ड से हिमतेंगू पर हमला करने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।